सुमन जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम, मैंने ना 3 साल से बात करनी है। कर लीजिए मैम बात। जी सुमन जी, आपका हाँ नमस्ते स्वागत भाई साहब, स्वागत नमस्ते भाई आपका। साहब। जय हिंद। हाँ मेरे ना पेट के ऊपर कलेजे में भारीपन रहता है। कब से है ये तकलीफ? ये ये तकलीफ कब से है? काफी समय से ही है, मैं दवाइयां खाती रहती, चलती रहती हूँ। ठीक है जी। देखिए, ये तकलीफ अब बहुत आम होती जा रही है कि यहाँ भारीपन रहता है, इधर भारीपन रहता है, और ये तकलीफ होती है हमारे पेट में और लीवर में वर्म की वजह से। तो एक तो अपना पेट सही रखने की कोशिश करें, यानी मोशन आपको रोज़ाना खुल के आना चाहिए। कुछ भी आप ऐसा जानते हैं तो वैसी दवाएं लें। नहीं तो मैं एक नुस्खा अक्सर बताता ही हूँ कि 6-7 चीज़ें का पाउडर बना लें और रोज़ाना आप एक बार दो बार इसे खाया करें। और याद रखें कि अगर आपका पेट, लीवर, आंतें, मैदा ये सब सही रहते हैं तो आपको आसानी से कोई बीमारी नहीं होती। ये शुरुआत होती है भारीपन से, और हम इसे अगर इग्नोर कर दें तो ये कोई बड़ा रोग उत्पन्न कर सकती है। तो लिख लीजिए, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना। एक बार आराम आराम से बोलता हूँ ताकि लोग लिख सकें। सौंफ, सभी जानते हैं सौंफ क्या है। सौंफ, सौंठ, सौंठ भी अक्सर महिलाएं जानती हैं। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बनाकर रखा करें अपने घर में। ये सारी आपके किचन में ही मिल जाती हैं। और ये दुनिया का अजीबोगरीब नुस्खा है जो आपके पूरे एब्डोमन का इलाज है, पूरे पेट का, चाहे उसमें लीवर हो, किडनी हो, आंतें हो, मैदा हो, इन सब में फायदा करता है। एक आता है नमक जैतून, ये एक विशेष नमक है दुनिया का जो स्वाद में नमकीन नहीं होता, ये असली खरीद है, नकली भी मिलता है। एक चुटकी नमक जैतून लें, एक चुटकी में जितना आ जाए, और एक गिलास पानी में मिला दें, और इस पानी से ये 6 चीज़ों का चूर्ण दिन भर में एक बार या दो बार खाने से पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी। तो जिसका ये एब्डोमन ठीक रहा, पूरा लीवर, आंतें, मैदा, सब कुछ, तो उसका सब कुछ ठीक रहता है। इसमें किडनी के लिए भी बहुत फायदा है, लीवर के लिए बहुत फायदा है, आंतों के लिए, हाजमे के लिए, एसिडिटी के लिए, कब्ज के लिए, बवासीर के लिए। फिर स्किन प्रॉब्लम ये लेने वाले को नहीं होती, आप इसे ले सकते जी। जीनत, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सब कुछ बेहतर है, आप बताइए जीनत कैसी है? बस खुदा का शुक्र है। आप साहब, मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो पीक्लेयर कैप्सूल आता है, ये मैंने मंगा रखा है, तो क्या ये किडनी की प्रॉब्लम में सही रहता है, दे सकते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमारा एक नंद का लड़का है, उसको 13 साल का है, उसको अभी अल्ट्रासाउंड कराया है, तो उसके दोनों किडनियों में रेजे बताए हैं अभी रेत के, तो उसके लिए क्या कुछ मतलब नमक जैतून से ही वो निकल जाएंगे या कुछ और नुस्खा आप बता दें? और मेरा तीसरा सवाल हकीम साहब ये है, मैं आपका वो नुस्खा ले तो रही हूँ, मेथी और अलसी, धनिया और एक सौंफ, लेकिन हकीम साहब मुझे मोशन रोज तो आते हैं लेकिन बन के नहीं आ पाता, और मेरा वेट भी जो है वो दिन ब दिन कम हो रहा है, मुझे तकरीबन वो लेते हुए 26-27 दिन हो गए, तो उसके लिए कुछ और बता दें, मैं उसमें कुछ और ऐड कर सकूं या क्या? ये तीन ठीक। सवाल है हकीम साहब मेरे। एक चम्मच इसबगोल की भूसी पानी में मिलाकर आप पी लिया करें तो मोशन आपका बंद के आना शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा,
बच्चा बहुत छोटा है लेकिन उसको ज़र्रात आए हैं और यही ज़र्रात आगे जाकर पथरी बन जाते हैं, तो दो चार खुराक उन्हें दे दीजिए जो मैं नुस्खा बताता हूँ पथरी वाली। दो पत्ते तीन पत्ते गूलर के चबा के खिला दीजिए और दो चुटकी नमक जैतून और दो नींबू पानी में मिला के दो गिलास ये पिला दें। दो चार दिन देंगे तो फिर वो किडनी बिल्कुल साफ होना मुमकिन है। और क्या सवाल है? पी केयर क्या किडनी के लिए भी इफेक्टिव होती है और वज़न कम हो रहा है इनका? हाँ, पी केयर किडनी के लिए बहुत अच्छी दवा है और किडनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए इसको आप अलसी को हल्का सा भूनकर आधा चम्मच अलसी खाएं और एक पी केयर कैप्सूल खाएं पानी के साथ, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। हकीम साहब, गर्भवती महिलाओं को लेके आपसे चर्चा करना चाहूँगी। एक तो जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो बहुत वो उत्साहित रहती है क्योंकि ये सुख तो हर एक महिला भोगना चाहती है, लेकिन कुछ महिलाओं की जो प्रेगनेंसी है कभी कभी या तो अबॉर्ट हो जाती है या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, जिसके बाद जो बच्चा होता है वो भी कहीं ना कहीं एबनॉर्मल हो जाता है, बच्चे में भी कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। तो एक तो वो इतना पेन बर्दाश्त करती है महिला और उसके बाद इस तरह से बच्चे का जन्म होता है, तो पहले क्या कुछ ऐसे एहतियात हम बरत ले या फिर कहाँ पे गर्भवती महिलाएं ऐसा कुछ कर देती हैं कि बच्चों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं? तो देखिए, महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले खून 2 पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो महिला हैं और हर महीने उनको एक ब्लीडिंग होती है या बच्चा पेट में रहता है, लेकिन उस खून की का इखराज है, यानी वो निकलता ही है, चाहे वो बच्चे के बनने में लगे या मेंसेस में जाए। तो महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले 2 पॉइंट खून ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन देखा यह है कि पुरुषों से 2 पॉइंट खून कम रखती हैं महिलाएं, उस पर तवज्जो नहीं देती। तो एक तो ये कि ये जो फ्रूट होते हैं लाल लाल किस्म के, चाहे वो टमाटर हो, चाहे सेब हो, चुकंदर हो, शलजम हो या पालक हो, ये चीज़ें खूब खानी चाहिए इन्हें, और ज़रूरत पड़े तो मल्टी विटामिन्स भी साथ में लेना चाहिए। खून ज़रूरत के मुताबिक होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन महिला में जो गर्भवती है। अब देखिए, ये होता है कि बच्चियां जब पहली बार माँ बनती हैं तो उनको कुछ भी तजर्बा नहीं होता, तो घर की बड़ी उम्र वाली औरतों को उनको गाइड करना चाहिए कि प्रथम 4 महीने ना तो उन्हें वज़न उठाने दें, ये ना कूदने फांदने दें, जैसे बच्चियां होती हैं अभी शादी हुई हो कूद फांद के ऐसे भाग दौड़ के वो ज़िंदगी ना गुजारे जब आपके गर्भ में बच्चा रह जाए। ये एहतियात, और 4 महीने के बाद वो बच्चा पूरा मजबूत और पुख्ता हो जाता है, फिर इतना ख़तरा नहीं रहता। अच्छा, फिर एक ये करें कि कोई भी बच्ची या बच्चा, जब बच्ची गर्भवती हो तो उनकी एक बार जांच ज़रूर करा दें। वैसे तो शहर के लोग तो कराते हैं, गांव वाले इस मामले में पीछे हैं कि कहीं उस गर्भवती महिला को डायबिटीज़ या थायराइड तो नहीं हो गया। और ये एक रिपोर्ट है कि 40% महिलाओं को गर्भ के दौरान एक्सीडेंटल डायबिटीज़ या थायराइड होता है और जो बच्चा होने के बाद ठीक हो जाता है अपने आप, इसे एक्सीडेंटल कहते हैं। तो क्योंकि पूरा जिस्म का निज़ाम यानी सिस्टम बदला है तो ये भी बदलता है, तो उस सूरत में गर्भवती महिलाओं को अपना डायबिटीज़ या थायराइड का
इलाज भी साथ में अपने लेडी डॉक्टर के हवाले से लेते रहें। अगर ये लेंगे तो बच्चे के एबनॉर्मल होने के चांस ख़त्म हो जाते हैं, तो ये ज़रूर करें। फिर एक ये है कि बच्चा क्योंकि पेट में है तो खुराक ज़रा अच्छी रखें अपने डॉक्टर के मुताबिक, और अगर कुछ खाया पिया ना जाए, उल्टी आती है ऐसे में बहुत ज़्यादा, सब कुछ बिगड़ जाता है बच्चियों का जो महिलाएं गर्भवती होती हैं। तो सूखा हुआ आलू बुखारा आता है, जो आलू बुखारा मार्केट में आजकल भी मिल रहा है वो सूखा हुआ भी आता है, जो इमली की तरह खट्टा होता है सूखा हुआ आलू बुखारा, वो बच्चियों को दे दें और वो जब कभी उनका दिल घबराए या उल्टी सी आए या कुछ हो तो वो एक मुंह में रख कर चूसती रहें तो उल्टी वगैरह रुक जाती है। और ये बच्चे की हेल्थ के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए बहुत बेहतर है सूखा हुआ आलू बुखारा। अच्छा, जब वो बच्चा गर्भ में 8 महीने का हो जाए तो इस बच्ची से जो गर्भवती है खूब काम कराएं, और इसको अपनी बहू ना समझें, इसको अपनी नौकरानी समझ लें, बुरा नहीं मानना। और जो भी एक नौकरानी काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कराइए उनसे, ख़ास तौर पर ज़मीन में बैठकर जो काम होते हैं, आटा गूंधें तो ज़मीन में बैठकर गूंधें, पोछा लगाएं तो सारा पोछा लगवाइए, सारे कपड़े ज़मीन में बैठकर धुलवाइए, चाहे आपके घर में मशीन भी हो कपड़े धोने की, लेकिन उससे कहिए आप कपड़े धोइए, थोड़े से ही धुलवाएं। चाहे मैं जानता हूं कि आप किसी को ये बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन उस बच्ची के लिए ये बहुत अच्छा है कि वो 8वें महीने में खूब काम करें। इससे दो बातें होंगी, एक तो वो ऑपरेशन से बच सकती है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि बच्चा होने के लिए 4 फिंगर 4 उंगलियों की बराबर वो उसकी ओवरीज में लूज चाहिए, तो ये सब करने से वो 4 फिंगर लूज हो जाती है उसकी ओवरी, और बच्चा बहुत आसानी से नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है। बिल्कुल।